अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई YouTube चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग सो इरेगुलर विद माई वीडियोज़। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी रेगुलर। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ईटा के टेस्ट की गाइडेंस के बारे में कह रहे थे, तो मैं उसके लिए भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द ही आपको मेरे चैनल पर ईटा की स्पेसिफिकली गाइडेंस मिल जाए। सो प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा वेट कर लें। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट बायोलॉजी प्रिपरेशन फॉर MDCAT। मेरे चैनल पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की गाइडेंस की वीडियोस तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन बायोलॉजी की गाइडेंस पर मैंने लास्ट ईयर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। जबकि सबसे मेजर पोर्शन जो है MDCAT का वो बायोलॉजी ही कवर करती है। सबसे ज़्यादा MCQs आपके इसी पोर्शन से आते हैं, और अगर आप इस पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपको बाकी पोर्शन में थोड़ा फ्री हैंड मिल जाता है। सो एज़ वी ऑल नो कि इस बार प्रोविंशियल MDCAT होना है, तो हर प्रोविंस का अपना एक टेस्ट होगा और ऑब्वियसली हर प्रोविंस की अपनी टेक्स्ट बुक्स ही फॉलो की जाएंगी। तो बायोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपकी अपनी बुक की लाइंस पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में आपकी बुक की लाइंस MCQs में आ रही होती हैं। मैक्सिमम 80% आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है वो बुक के लाइंस पर बेस होता है, और हार्डली 15-20% थोड़ी सी कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो अब आप जिस भी प्रोविंस से हैं, आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बुक की लाइंस को कवर करने के साथ साथ जो आपकी बुक की डायग्राम्स हैं, आपने उनकी डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उनकी लेबलिंग्स को बहुत अच्छे से देखना होता है। डायग्राम्स आपका 60% कंसेप्ट क्लियर करवा देती हैं, और बाकी का 40% जो थ्योरी होती है वो आपका कंसेप्ट क्लियर करवा देती है। तो डायग्राम्स बहुत मेजर होती हैं, उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना होता। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स रीड करते हुए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप कोई भी डायग्राम्स स्किप ना करें और कोई भी साइड इन्फॉर्मेशन स्किप ना करें, क्योंकि अक्सर साइड इन्फॉर्मेशंस और टेबल्स भी MCQs की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो बुक की रीडिंग को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और सबसे पहले आपने अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स को ही अप पढ़ना है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। बाकी कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर्स का पूछ रहे हैं कि बायोलॉजी के लिए लेक्चर्स लेने चाहिए या नहीं। अब बायो में सारे चैप्टर्स आपके ऐसे नहीं होते कि आप उस लेक्चर्स लेके अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन कुछ चैप्टर्स कंसेप्चुअल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है, उसके लिए आपको किसी न किसी अच्छी एकेडमी के लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस चैप्टर से थोड़ी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जो कि सिर्फ बुक रीडिंग से नहीं होंगे। तो आपको उसके लिए किसी न किसी के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। और सेकेंड ईयर में जेनेटिक्स का चैप्टर है, उसके लिए भी आपको लेक्चर्स लाजमी लेने पड़ेंगे। अब लेक्चर्स आप में, वैसे मैंने तो यूट्यूब पर किसी के लेक्चर्स बायोलॉजी के नहीं देखे थे अपने टाइम पर, लेकिन अभी आप के पास, खासतौर पर रिपीटर्स के पास, इतना टाइम है कि वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो उन्हें सूटेबल लगे, जो उन्हें अच्छे लगे लेक्चर्स, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब पर कोई अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलते, तो आपके पास सैयद MDCAT पर डिफरेंट अकेडमीज़ के लेक्चर्स पड़े होते हैं, तो वहाँ पर आपको जिस भी अकेडमी के लेक्चर पसंद आए आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में, एज़ आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, मैंने टॉप ग्रेड ज्वाइन किया था, तो मैंने इन दोनों चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली टॉप ग्रेड के लेक्चर्स ही लिए थे, दे वर गुड। अब लेक्चर और टेक्स्ट बुक को कवर करने के बाद बारी आती है प्रैक्टिस MCQs की, जो कि मेजर की है फॉर योर प्रिपरेशन। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस के बगैर आप अपनी प्रिपरेशन को 100% नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको एटलीस्ट पर डे 40 MCQs बायोलॉजी के लाजमी सॉल्व करने चाहिए। अब मेरी ये अपने टाइम पर ये रूटीन थी कि मैंने डेली अगर एक चैप्टर कवर करना है, अब चाहे मुझे उसका लेक्चर भी लेना पड़ रहा है या फिर मुझे उसके नोट्स को गो थ्रू करना है और टेक्स्ट बुक क्लास में बहुत अच्छे से रीड करनी है, ये सब करने के बाद मैं एटलीस्ट 40 MCQs टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से लाजमी प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक्स हैं तो आप उनसे भी, एक चैप्टर के आपको 40 MCQs तो मिल ही जाते हैं, तो आपने वो लाजमी सॉल्व करने हैं। और आपने कोशिश करनी है कि आपके मैक्सिमम MCQs ठीक हो, आपकी मिस्टेक्स बहुत 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 कम, क्योंकि बायोलॉजी में आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। बुक की लाइंस होती हैं, अगर आपने बुक को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें सिर्फ एक दो मिस्टेक का मार्जिन ही रखते हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में इतना मिल जाता है कि अगर आप 5-6 MCQs में गलत कर भी दें तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं एट दी एंड।
इसके बाद आपने अब एम सी क्यूज़ सॉल्व कर लिए, आपकी जो जो मिस्टेक्स हुई आपने उन्हें साइड पर नोट कर लिया, उन्हें एक बार फिर से गो थ्रू कर लिया। अगर इस सब के बाद भी आपके पास कुछ टाइम बचता है, एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह से पूरा पढ़ लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप फेडरल को पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर फेडरल में से आएगा। फेडरल की बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि उन्होंने बहुत एलैबोरेट क्योंकि हर चीज़ को लिखा हुआ है। तो अगर आप खासतौर पे किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पंजाब टेक्स्ट बुक की बात कर लेती हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उनमें सिर्फ लाइक एक दो लाइन लिखी हुई हैं और वो एक दो लाइनें लिख के पढ़ के समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम देखें फेडरल में, तो उस पर लाइक एक पूरा टॉपिक लिखा हुआ है 2-3 पेजेस का, तो वो सब इतना सिंपल करके और इतना एलैबोरेट करके लिखा हुआ है कि वो आपको उसे अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो और आपके पास टाइम भी है तो आप फेडरल में से पढ़ लें। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी फेडरल पढ़ने बैठ जाएँ, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, अब जैसे मैंने ये बायोएनर्जेटिक्स और जेनेटिक्स वाले चैप्टर की बात की, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनसे मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं, तो अगर आपने इनका कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप इनके लिए फेडरल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपने प्रोविंशियल बुक्स हैं, और ये तो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आप अपने प्रोविंस की बुक को प्रायोरिटाइज करना है और फिर आपने किसी और प्रोविंस की बुक्स की तरफ जाना है। लेकिन इस साल तो चूँकि है ही प्रोविंशियल, तो आपने अपनी बुक्स को ही बार बार पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो आप फेडरल से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके जहन में बायोलॉजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों ने जिन टॉपिक्स पर वीडियोस का मुझे कहा हुआ है तो वो मेरे जहन में हैं, और आई एम ट्राइंग के जल्द से जल्द मैं वो वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।